सो गाइस, जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो है, सो आई डोंट नो हाउ दिस विल टेस्ट लाइक। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। एंड इस चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करिए। एंड आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा था नॉट लिस्ट, वो भी एक रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं एक जगह जा रहा हूँ। तो सीधा आप लोगों को लेके चलते हैं और वहाँ जाके बताऊँगा कि वो जगह क्या है। तो मैं टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ, मेरे को जाना है कनॉट प्लेस। तो फिलहाल मेट्रो भी आ चुकी है और कनॉट प्लेस आज मैं घूमने के पर्पज़ से नहीं, एक अलग पर्पज़ से जा रहा हूँ। तो मैं जब सीधा उस लोकेशन पर पहुँचूँगा तो मैं सीधा आप लोगों को तब बताना चाहूँगा। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर मी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल लेट यू नो फॉर इट। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज, मैं कनॉट प्लेस पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा मुझे, तो फिलहाल उस जगह पर जाने के लिए। एंड यहाँ पे रिक्शा करते हैं। धूप बहुत है यार, इतने दिन से इतना अच्छा मौसम हो रहा था पर आज अचानक से धूप। चलिए यहाँ से ऑटो करते हैं और आप लोग को लेके चलते हैं। तो गाइस, मैंने ऑटो ले लिया है। अब हम जा रहे हैं हनुमान रोड, जिस जगह मैं जा रहा हूँ तो वो है हनुमान रोड। यहाँ से तो मतलब लाइक 5 मिनट का डिस्टेंस है, बट अभी बहुत धूप है तो मैंने ऑटो ले लिया है। और ऑटो के यहाँ से 50-60 रुपीज़ लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बाहर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और रिवील करते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ और क्यों आया हूँ। मच 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 लेटर। सो गाइस, जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो है अपना स्पेन की एम्बेसी, जहाँ पे स्पेनिश सिखाई जाती है। तो मैंने सोचा है कि एक लैंग्वेज ऐड ऑन करने का अपने स्किल सेट में, तो मैं आया हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक नॉट प्लेस में और यहाँ पे स्पेनिश कोर्सेज सिखाए जाते हैं सारे लेवल्स के। तो अभी अंदर जाके मैं बात करने वाला हूँ कि कब से ज्वाइनिंग हो सकती है, कब से कोर्स हो सकता है, कोर्स की फ़ी क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ें आप लोगों को आके मैं बताता हूँ। फिलहाल आपको इंस्टीट्यूट दिखाता हूँ। तो ये इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री। सो गाइस, मैंने अंदर बात कर ली, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। इवन द टीचर्स वर स्पेनिश और नेटिव टीचर्स हैं वहाँ के, और बहुत बढ़िया लगा मुझे अंदर जाके। मैं फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह पूछा है बट उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है, तो मैं एक बार घर पर डिस्कस करूँगा। तो 2-3 दिन में पेमेंट कर दूँगा क्योंकि सीट्स फुल हो सकते हैं और मेरा बहुत मन है स्पेनिश सीखने का। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं, एक लैंग्वेज ऐड ऑन हो जाएगी एंड उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके काम को बढ़ाने के, लाइक इवन वॉइस ओवर इन एक्टिंग एंड इवन ट्रांसलेटर थिंग एज वेल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी घर जाके डैडी से बात करते हैं और लेट्स सी कि उनका जवाब क्या होता है। सो गाइस, इंस्टीट्यूट के बाद मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी, तो आई जस्ट केम टू स्टारबक्स एंड आई थिंक ये मेरा, I don't feel shy to say, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर स्टारबक्स जहाँ मैं खुद सामने से ऐसे आया हूँ, वरना अकेला लाइक इससे पहले मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, बट फर्स्ट एवर मेरी सोलो स्टारबक्स सेल्फ डेट हो गई, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रीट टू माई सेल्फ। तो मैंने यहाँ की बेस्ट कॉफ़ी ऑर्डर किया, तो लेट्स सी यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि टिम हॉर्टन्स तो कर लिया बट स्टारबक्स को मैंने अब तक रेट नहीं किया था। तो लेट्स सी हाउ द कॉफी विल टेस्ट लाइक। क्लीनर मिला तो मेरे जैसे वाइट शूज़ हैं हमारे, जनरली येलो हो जाते हैं, डस्ट उस पर लग जाता है, तो मैंने उनसे क्लीन कराया। उन्होंने मेरे को बोला कि चलो शूज़ है, तो जनरली क्या रेट होता है मोची का, 20-50 रुपये, वाइट शूज़ चलो 50 रुपये। उन्होंने उस पर अंदर सोल भी लगा दी, मैंने कहा चलो ठीक है 70 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर सोल, हद से 90। शूज़ उन्होंने नो डाउट बहुत बढ़िया क्लीन कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे शूज़ उन्होंने पूरे वाइट कर दिए, ऐसी बात नहीं है, मतलब ओवरऑल सारी डस्ट वस्ट हटा दी। पर उन्होंने जो रेट बोला था, उन्होंने पता क्या बोला, 450 रुपये। मैंने कहा व्हाट,
मतलब इतने से मतलब 1000 रुपये तक तो जूते ही हैं, मतलब क्योंकि मैंने अमेज़ोन से लिए थे, मैंने कहा 450 में क्लीनिंग के दे दूँ तो मतलब कि इसकी वो मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी, मैं उसकी रिन्यू करा। मैंने कहा भैया आप एक तो पहले रेट नहीं बताए, उसके बाद उन्होंने एक तो क्लीन कर दिया पूरा, फिर उसके बाद उनको देख के थोड़ा ज़्यादा बोला भी जाता कि चलो मेहनत की है, उन्होंने शू क्लीनर कर दिया लेके आया अच्छा सा, उन्होंने क्लीन करा। मैंने कहा भैया मैं 450 तो नहीं दूंगा, तो पर फिर मैंने उनको एट देंड 250 रुपये दिए और 250 रुपये में क्लीन कराया। मैंने कहा चलो मैं शू लॉन्ड्री भी देता तो भी उतने लगते, पर यहाँ 450 रुपये में से अच्छा तो मैंने कहा 250 रुपये दे के काम ख़त्म करो। एंड फिर उसके 250 रुपये दिए, मैंने कहा चलो शूज़ क्लीन हो गए ठीक है। तो मैंने कहा पर इसलिए मैंने ये था कि आपको ये बता दूं कि कभी भी ऐसे करें तो पहले रेट पूछ ले, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें कि सीधा ही करवा लिए और उसके बाद रेट पता चल रहा है, पहले रेट पूछ ले ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब फिलहाल घर चलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, भूख लग रही है मेरे को, मैं शायद मेट्रो से ही कुछ खा लूँगा, घर पे सत्संग है आज तो घर पे पहुँचते टाइम से और घर पे बात भी करनी है कोर्स के लिए, तो लेट्स गो होम। सो मैं भी घर आ चुका हूँ और घर पे सत्संग हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ सत्संग का। ओके तो अब लंगर करने का टाइम हो चुका, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज लंगर में क्या बना है। ये है साबुदाने की पूड़ी, सैलेड, आलू, पनीर, शाही पनीर है, मैंने सिर्फ शाही खाई है, पनीर तो मैं खाता नहीं आप लोगों को पता है। ये है रायता एंड ये है खीर, ये है आलू। तो ये आज का हो गया हमारा लंगर यानी कि मेरा डिनर, तो फिलहाल अभी ये करते हैं। हाय हाय वो कोको भाग रही थी और कोको इतनी तेज एक्साइटेड हो गई डैडी को देख के, वो उसने ताने के लैपटॉप की चार्जर तोड़ दिया बीच में से, उसके बीच में से उसका चीरा रन हो गया। अब ताने की मीटिंग भी है यार, डैडी तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसकी मीटिंग से पहले जुड़ जाए। तो ये रहा वो बॉक्स, बॉक्स खुलते ही काफ़ी खुशबू सी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये ओह हाउ स्वीट, ये मैजिक पॉप्स एंड ये परफ्यूम्स हैं। ओके टस्कन लेदर, स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम एंड ये भी एक है कुछ, ये बॉयज़ परफ्यूम है गाइस, बट इसकी पैकेजिंग पिंक है तो कोई दिक्कत नहीं। सैवेज हैंडमेड परफ्यूम एंड दिस इज कोको टॉप। ओके दिस इज ऑल्सो, ये आई थिंक थोड़ा गिर भी गया, इसका नाम नहीं लिखा। ओके एंड ये इत्र भी आया है, बट दिस इज सच लवली हैम्पर, दिस इज रियली रियली ब्यूटिफुल। चॉकलेट्स ऑल्सो, थैंक यू शाहीन फॉर दिस अमेजिंग बॉक्स, आई विल डू अ रिव्यू फॉर इट। सो गाइज अभी तानिया मीटिंग कर रही है और देखते हैं आने वाले दिनों में स्पेनिश क्लास ज्वाइन करते हैं नहीं, बट आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मजा आया होगा, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग द ब्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स, हैविंग अ बाय।